namaskar and pranam to all of you uh, again i am coming back to my channel losith uh, today uh, i will discuss uh, one of the most important topic uh, inflationary gap or excess demand in macroeconomics uh, also again it is the most important part of keynesian theory uh, so my friends uh, uh, till the end please watch the video uh, then definitely यू विल गेट कम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक और uh, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे लाइक कीजिए और uh, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए सो so, आगे में मैं और अच्छा अच्छा वीडियो लाऊँगा uh, तो uh, लाइक करने से कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स uh, थोड़ा लाइक कर दीजिए और थोड़ा कमेंट कर दीजिए और कहाँ पर कोई कमी है मैं फिर अगेन जस्ट आई विल मोडिफाई इन माई वीडियो and uh, again uh, uh, bring some good videos in posturing time so i do not want to waste more time uh, just i'm going to the topic uh, to discuss inflationary gap or excess demand in macro economics uh, excess demand uh, it refers to the situation when aggregate demand is more than the aggregate supply corresponding to full employment level in the economy so excess demand kya hai? ऑलरेडी एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में है इट मींस प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में है जो प्लांट प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया है वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में है मगर जो एग्रीगेट डिमांड है जो प्लांट एक्सपेंडिचर है वो uh, उससे ज़्यादा है तो तब एक्सेस एकसे, डिमांड जनरेट होता है क्योंकि ऑलरेडी एग्रीगेट सप्लाई जो है जो प्लांट प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में है जो प्रोड्यूसर्स प्लान किया है कि इतना आउटपुट लेवल होगा जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का आउटपुट होगा वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि प्रोडक्शन इज ऑलरेडी इट मीन्स प्लांट प्रोडक्शन इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वो ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं कि इसी आउटपुट लेवल में इकोनॉमी uh, में फुल एम्प्लॉयमेंट लिवल होगा मगर जो एग्रीगेट डिमांड है जो प्लांट एक्सपेंडिचर है जो प्लांट एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्राइवेट फार्म सेक्टर जो उनका जो प्लांट uh, एक्सपेंडिचर है वो उससे ज्यादा है तो इससे क्या होता है ना एक्सेस डिमांड जनरेट होता है तो uh, और एक बार उसको थोड़ा क्लारीफाई करने दे, uh, कर देता हूँ जस्ट आई वांट टू क्लारीफाई अगेन ऑलरेडी एग्रीगेट सप्लाई इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल प्लांट प्रोडक्शन इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑलरेडी द प्रोड्यूसर्स हैव प्लांट टू प्रोड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बट एग्रीगेट डिमांड और प्लांट एक्सपेंडिचर इज मोर देन दैट सो ड्यू टू दिस एक्सेस डिमांड इज जनरेटेड सो इट रिफर्स टू ए सिचुएसन वग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई करेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी सो इससे क्या होता है ना इट लीड्स टू इनफ्लेशनरी गैप उसमें इनफ्लेशनरी गैप जनरेट होता है तो इनफ्लेशनरी गैप को आ, हमको डिटेक्ट करने के लिए ग्राफ का जरूरत है तो ये इन्फ्लेशनरी गैप क्या है इन्फ्लेनरी गैप को डिटेक्ट करने के लिए दो प्रकार का डिमांड आपको देखना है क्या एक्चुअल डिमांड है इकोनॉमी में और एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या है और एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में क्या होगा तो ये दोनों चीज को हमको देखना है और हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या है तो इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होता है इट रिफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने के लिए जो एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए उससे एग्रीगेट डिमांड हमारा जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा है तो uh, uh, इसी से इन्फ्लेशनरी गैप जनरेट होता है तो यहां पर Uh, जब इन्फ्लेशनरी गैप आप देखना चाहते हो तो दो प्रकार का डिमांड आपको देखना है कि एग्रीगेट डिमांड मेंटेन फुल एंप्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कितना एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में एग्रीगेट डिमांड मेंटेन आर्ट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सो फर्स्ट उसको देखना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में कि टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विबियम एग्रीगेट डिमांड कितना होना चाहिए और एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या है तो इन्फ्लेशनरी गैप रिफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विबियम सो एक कंक्लूडिंग वर्ड में बोलता हूँ जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो uh, जो एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्वलिबियम को मेंटेन करने के लिए होगा उससे ज्यादा है It means actual aggregate demand is more than the aggregate demand required or aggregate demand established at full employment equilibrium. So you see the uh, diagram. Uh, it means point E, you see uh, uh, at full employment level aggregate demand is a D in diagram. Uh, full employment level aggregate demand curve is a D. Actual demand curve is a D1. So. पॉइंट ई इज द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और करेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ आउटपुट इज ओ वाई एफ हमको यह पता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आउटपुट को हम एक्सपांड नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में है जो प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमम लेवल में है प्रोडक्शन को हम एक्सपांड नहीं कर सकते दर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी ओके वंस वास्डक्शन लिवल रीज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मीन्स एगेन प्रोडक्शन कैनोट बी एक्सपांडेड नो एक्सेसिटी इनोजी आउटपुट फुल्प्लॉयमेंट लेवलो दिखा है वो एफ वाई एफ है और एग्रीकेट डिमांड रिक्वेड टू एस्टाब्लिसमेंट इक्वलिबियम कितना हमको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने के लिए तो यहां पर हमको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने के लिए हमको जो एग्रीगेट डिमांड चाहिए वो EF, YF होना चाहिए ओके तो यहां पर हम दोनों को कंपेयर करेंगे देखिए एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इट इज एफ वाई एफ एंड एग्रीगेट डिमांड एस्टाब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज ई वाई एफ तो इसमें जो ई एफ जो गैप होता है एक आर मार्क में दे दिया हूं ऑलरेडी यू सी द ओ मार्क डायट डिमांड रिक्वेड टू एस्टाब्लिश फुल्प्लॉयमेंट इक्वलिबियम इट इज ई वाई एफ तो इससे पता चलता है जो एक्चुअल एग्रीकेट डिमांड है इट इज मोर दैन दीगेट डिमांड

एग्रीगेट uh, डिमांड uh, हमको uh, चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने के लिए उससे कितना ज्यादा एग्रीगेट डिमांड है तो इट इज ई वाई एफ सो और एक बार मैं कंक्लूडिंग uh, uh, मैं बोलना चाहता हूं जस्ट अगेन जस्ट यू लिस्ट एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिस फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज ई एफ ई एफ इज द एक्सेस डिमांड सो इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप

कॉन्टिन्यूअसली uh, प्राइस में वृद्धि होगा तो इसमें uh, मैं वही uh, लिख दिया फॉर्मुला जस्ट आई डाउन डिमांड माइनस रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मैं इसको बता चुका हूँ और डायग्राम में मैं, मैं आपको दिखा दिया एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कर डी वन रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट करो एक्चुअल एडी एफ वाई एफ मैं बता चुका हूँ

देन फॉरेन सेक्टर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो एक्सेस डिमांड क्यों जनरेट होता है ना ड्यू टू इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर जब हाउस होल्ड सेक्टर में कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है तब एक्सेस डिमांड जनरेट होता है सिमिलरली सेकेंड वन रिलेटेड टू द फार्म सेक्टर इट इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द फार्म सेक्टर जब फार्म सेक्टर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तब एक्सेस डिमांड जनरेट होता है नेक्स्ट वन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट सेक्टर इट इज इंक्रीजिंग गवर्नमेंट सेक्टर ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर कलेक्टिव बेनिफिट ऑफ द पीपल हम जानते हैं कि जो गवर्नमेंट जो खर्च करता है वो वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर कलेक्टिव बेनिफिट ऑफ द पीपल वो क्या है जैसे ब्रिजेस फ्लाईओवर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग्स डेवलपमेंट ऑफ मेट्रो स्टेशन डेवलपमेंट ऑफ रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स

प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स विथ प्राइसेस ऑफ फॉरन गुड्स सो वेन कंपेरेटिवली वेन प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स आर चीपर वन देन डेफिनेटली डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट इंक्रीजेस तो हम दोनों प्राइस को कंपेयर करेंगे जैसे हमारा डोमेस्टिक गुड्स का प्राइसेस क्या है और फॉरेन गुड्स का प्राइसेस क्या है और उसमें किसका चिपर है किस किस गुड्स का जो प्राइस बहुत कम है उसको देखेंगे तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स में क्या होता है ना वेन डोमेस्टिक गुड्स अवेलेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट एट चीपर प्राइस इन कंपेरिजन वेन प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स आर चीपर इन कंपेरिजन टू द फॉरन गुड्स देन इन दिस केस डिमांड ऑन डोमेस्टिक गुड्स इंक्रीजेस इन द इंटरनेशनल मार्केट तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इसके वजह से क्या होता है एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है नेक्स्ट वन फॉल इन इंपोर्ट्स सेम थिंग है हमारा इंपोर्ट कब कॉम होगा ना सिमिलरलीजन प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स आर चिपर वन ओके इन कंपेरिजन टू द फॉरन गुड्स सर सिंपली जस्ट यू राइट डाउन इन कंपेरिजन टू द फॉरन गुड्स प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स आर चीपर वन सो फॉर दिस रीजन इट मीन्स डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट इज लेस बिकॉज इन कंपेरिजन टू द डोमेस्टिक गुड्स प्राइसेस ऑफ फ़ॉरेन गुड्स आर कॉस्टली वन आर डियर वन ओके हम कंपेयर करेंगे डोमेस्टिक uh, गुड्स का प्राइस और फॉरेन uh, गुड्स का प्राइस uh, दोनों को जब कंपेयर करेंगे uh, तब फॉरेन गुड्स का प्राइस जब ज्यादा हो जाता है तब फ़ॉरेन गुड्स हमारे लिए कॉस्टली हो जाता है तो इसलिए बेसिकली डिमांड बाय द रेसिडेंट्स ऑन द फॉरन गुड्स डिक्रीजेस ओके सो ड्यू टू दिस एक्चुअली इट इज फॉलो इन इम्पोर्ट्स Uh, ये और एक कारण है जो एग्रीगेट uh, डिमांड बढ़ जाता है तो दोनों जो एक्सटर्नल सेक्टर में इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड फॉल इन इम्पोर्ट्स नेक्स्ट वन रिडक्शन इन टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट हमको uh, ये पता है जो वेन द रेट ऑफ इनकम टैक्स और रेट ऑफ कारपोरेशन टैक्स एंड जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी डिक्रीजेस देन ऑटोमेटिकली इट मींस व्हेन इनकम टैक्स इट मींस रेट ऑफ इनकम टैक्स डिक्रीजेस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीजेस इनकम टैक्स फ्रॉम द पर्सनल इनकम जो हमारा पर्सनल इनकम है उसे हम इनकम टैक्स को माइनस करते हैं तो हमको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिलता है तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम स्प्लिट होता है किसमें ना कंजन एक्सपेंडिचर में और सेविंग में क्लियर सो रिडक्शन इन टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो इट इज अनादर कर्ज फॉर एक्सेस डिमांड एक्सेस डिमांड मे बी अराइज ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई कॉज बाई डेफिसिट फाइनेंसिंग थोड़ा मैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के ऊपर बताता हूं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग मीनस गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द आरबीआई अगेंस्ट सिक्योरिटीज तो गवर्नमेंट डिफरेंट सोर्सेस से बरो करता है गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम आरबीआई जो गवर्नमेंट आरबीआई से बरो करता है अगेंस्ट सिक्योरिटीज में उसी को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलेंगे और उसको थोड़ा मैं क्लरिफाई करना चाहता हूं गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट सिक्योरिटीज सपोज अभी गवर्नमेंट ने क्या किया ना लाख का रखा तो इसी समय आरबीआई क्या करेगा ना फिफ्टी लाख का करेंसी प्रिंट करेगा और गवर्नमेंट को लेंड करेगा तब क्या करेगा गवर्नमेंट इसको खर्च करेगा तो गवर्नमेंट जब खर्च करेगा वो लोगों के पास आएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तब क्या, क्या होगा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा उसको इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जनरेट होगा एक क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक दैट डेफिसिट फाइनेंसिंग क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द यस डेफिसिट फाइनेंसिंग क्रिएट इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोमी तो डेफिसिट फाइनेंसिंग हमने क्लरिफाई किया कि डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट सिक्योरिटीज एंड इन दिस केस आरबीआई प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स एंड लेंडिंग टू द गवर्नमेंट

प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और जो एक्सटर्नल सेक्टर में एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और इंपोर्ट्स को कम करना है ओके okay? तो दोनों को जब हम एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हम देखेंगे इस केस में इट मीनस इन कंपैरिजन टू द फॉरेन गुड्स डोमेस्टिक गुड्स आर चिपर वन तो इसी के वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ता है और इंपोर्ट्स कम होता है ओके नेक्स्ट वन हम इंपैक्ट uh, को जाएंगे इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन तो इंपैक्ट में हम तीन चीज के ऊपर देखेंगे इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट ऑन आउटपुट इंपैक्ट ऑन प्राइसेस तो फर्स्ट वन इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन एम्प्लॉयमेंट तो इसमें एम्प्लॉयमेंट में uh, कोई इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी जो प्रोडक्शन uh, है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में है क्योंकि आप डेफिनेशन देखा कि एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो प्लांट एक्सपेंडिचर है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में है उससे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रहा है इसी के वजह से एक्सेस डिमांड जनरेट होता है और इन्फ्लेशनरी गैप जनरेट होता है तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सो सेम थिंग आई हैव रिटन ऑलरेडी इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सो एक्सेस डिमांड डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई इसमें रोजगार के ऊपर कोई प्रभावित नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नेक्स्ट वन इंपैक्ट ऑन आउटपुट आउटपुट में कोई इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एग्रीगेट सप्लाई करेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्योंकि ऑलरेडी प्लांट प्रोडक्शन इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो हमारा प्रोडक्शन है वो पर पर है। okay, production full employment level पर है means हम production को expand नहीं कर सकते और लेवल ऑफ आउटपुट को एक्सपांड नहीं कर सकते okay, मगर उससे क्या है प्लांट एक्सपेंडिचर ज्यादा है इसी के वजह से होता होता है और generate होता है। और तो इसमें आउटपुट uh, के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा तो जो है prices. इंपैक्ट ऑन प्राइसेस डेफिनेटली यहां पर कंटिन्यूअसली प्राइस लेवल इंक्रीजेस बिकॉज ऑलरेडी प्रोडक्शन इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है मगर उससे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है इट मीन प्लांट एक्सपेंडिचर इज मोर देन प्लांट प्रोडक्शन टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑलरेडी प्लांट प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में है और उससे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो इसके वजह से क्या होगा कंटिन्यूअसली प्राइस लेवल इंक्रीजेस

एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन गैप तो ये तीनों चीज आता है हाउ टू करेक्ट फर्स्ट हम फिजिकल मेजर्स के ऊपर जाएंगे तो मैं बार बार बताया फिजिकल पॉलिसी के ऊपर थोड़ा बता रहा हूं फिजिकल पॉलिसी इट इज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में

ना डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और नॉन टैक्स रेवेन्यू में फीस फाइन पेनल्टी और फॉर है। जब लोग कोर्ट का नियम को नहीं मानते हैं तब कोर्ट एक पेनल्टी डालता है ओके व्हेन द पीपल ऑफ द कोर्ट इंपोज पेनल्टी ओके ऑन कंसर्न पर्सन सो इट इज फॉर तो ये सब क्या है नॉन टैक्स रेवेन्यू और सपोज प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू ओके सो ये जो और एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट यूनियन बजट में डिक्लेयर करता है कि किस किस एरिया में क्या क्या खर्च होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या होगा रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स के लिए कितना होगा कि रेलवे uh, में रेलवे लाइन्स के रेलवे प्लेटफॉर्म्स की मेट्रो स्टेशन उसमें कितना uh, खर्च होगा एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च होगा हेल्थ के ऊपर कितना खर्च होगा ये सब गवर्नमेंट बॉजेट में डिक्लेयर करता है तो फिजिकल एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेनरी गैप थ्रू फिजिकल मेजर्स तो फिजिकल मेजर्स में आपको चार चीज का ध्यान देना है एक टैक्सेशन पॉलिसी सेकेंड वन एक्सपेंडिचर पॉलिसी थर्ड वन पब्लिक फर्स्ट टैक्सेशन फिजिकल मेजर्स का है जो टैक्सेशन जो एक्सेस डिमांड टाइम में एट द द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड और गैप गवर्नमेंट हाइक रेट ऑफ इनकम टैक्स 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 एंड रेट ऑफ जीएसटी गवर्नमेंट इनकम का रेट को बढ़ा देता है कॉर्पोरेशन टैक्स का रेट को बढ़ा देता है और जीएसटी का रेट को बढ़ा देता है क्योंकि एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है एक्सेस डिमांड को करेक्ट करना है इन्फ्लेशनरी गैप को एलिमिनेट करना है जब इनकम रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीजेस रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स इंक्रीज कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है द टैक्स पेड बाय द बिजनेस पर्सनल टू द गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन टैक्स का रेट बढ़ेगा इनकम टैक्स uh, का रेट बढ़ेगा और जब जीएसटी रेट बढ़ेगा ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड कम होने से ऑटोमेटिकली इट कर एक्ट एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप सो एट द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप गवर्नमेंट हाइक द रेट ऑफ इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स एंड जीएसटी due to this aggregate demand decreases and it correct the excess demand and eliminates inflationary gap same thing i have written next one government expenditure uh, we know that uh, government uh, always government incur expenditure on public welfare programs uh, to fulfill the collective needs of the people मैं बार-बार बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है गवर्नमेंट का वो हमारा जो कलेक्टिव नीड्स को पूरा करने के लिए सरकार खर्च करता है इट मींस किस किस एरिया में खर्च करता है वही डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल बिल्डिंग की डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग फ्लाईओवर्स ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इट मीन कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्लांट्स डेवलपमेंट ऑफ पावर मेट्रो स्टेशन सो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑन वाटर तो एक्सपेंडिचर ऑन सैनिटेशन तो ये है तो टाइम में जब एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप जनरेट होता है तब गवर्नमेंट क्या करता है ना जो गवर्नमेंट रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट कर्ब इट्स एक्सपेंडिचर तो ऑन पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स के ऊपर गवर्नमेंट खर्च कम कर देता है जब गवर्नमेंट खर्च कम करेगा तब मनी सप्लाई कम हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करता है वो लोगों के पास जाता है लोगों को काम मिलता है ना जो वी नो दैट सेम रूल एक्सपेंडिचर ऑफ वन सेक्टर इट इज रिसिप्ट ऑफ अनादर सेक्टर जो गवर्मेंट जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है वो हाउस होल्ड सेक्टर का वो रिसिप्ट है तो यहां पर जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देगा तब क्या होगा ना मनी सप्लाई कम हो जाएगा मनी सप्लाई क्या है न मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिक्युलर पॉइंट ऑफ टाइम लोगों के पास कितना पैसा है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कम हो जाएगा इट लीड्स टू डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड अगेन एग्रीगेट एक्सेस डिमांड इज करेक्टेड एंड गैप एलिमिनेटेड। नेक्स्ट वन पब्लिक डेप्ट पब्लिक डेफ्ट के ऊपर मैं थोड़ा क्लारीफाई करना चाहता हूँ uh, हम जानते हैं कि बेसिकली गवर्नमेंट बोरोज पब्लिक मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि पोस्ट ऑफिस में जैसे uh, किसान विकास पत्र के भी पी वो एट ईयर्स में डबल होता है जैसे हम अभी टेन थाउजेंड के बी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो हमको एट ईयर्स के बाद वो डबल होकर हमको मिलेगा तो अभी जो के, के, किसान विकास पत्र जो पोस्ट ऑफिस का जो बॉन्ड है हम उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा इट इज वन टाइप ऑफ बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक फिर आठ साल के बाद हमको गवर्नमेंट रिटर्न करता है कैसे हम जो टेन थाउजेंड इन्वेस्ट किया था प्लस इंटरेस्ट उतना ही जैसे आप ट्वेंटी थाउजेंड अभी केवीपी के ऊपर के इन्वेस्ट करोगे तो आपको एट ईयर्स के बाद वो फोर्टी थाउजेंड मिलेगा जो अभी रूल है फास्ट मैं समझा देता हूँ और एक एन एस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट उसमें फिफ्टी परसेंट इंटरेस्ट देता है जैसे अभी एनएससी जो बॉन्ड है वही पोस्ट ऑफिस का एक पॉपुलर स्कीम है जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर अभी हम दस इन्वेस्ट टेन इन्वेस्ट करेंगे तो आफ्टर फाइव ईयर हमको फिफ्टीन मिलेगा टेन uh, थाउजेंड जो हम अभी इन्वेस्ट किया है प्लस फाइव थाउजेंड इंटरेस्ट अभी जो हम नेशनल सेविंग इन्वेस्ट करेंगे क्या होता है ना गवर्नमेंट ज्यादा इंटरेस्ट देता है तो इससे क्या होता है ना जो जो एम्प्लॉज होते हैं वो पीपीएफ में पैसा डालते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसा डालते हैं इससे क्या होगा जो पैसा हम डालेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में uh, उसमें क्या होगा जितना पैसा हम डालेंगे उसके ऊपर टैक्स uh, है ओके अपटून फाइव लाख टैक्स एक्जेम्पन इज देयर टैक्स नहीं लगेगा और क्या है हमको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो पीपीएफ uh, को हम इटमींस फिफ्टीन ईयर एक्चुअली पीपीएफ फंड वुड बी वुड बी मैच्योर वन तो अभी हम नहीं उठा सकते वो पंद्रह साल के बाद हम उसको उठा सकते हैं तो अभी जो पीपीएफ अकाउंट में हम पैसा डाला वो गवर्नमेंट के पास चला गया तो इट इज सिंपली बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक और थोड़ा बहुत देता हूँ पेंशन फंड जैसे पेंशन फंड एस और अदर बैंक का पेंशन फंड होता है एस का पेंशन फंड बहुत पॉपुलर है जैसे अभी हम पैसा डालेंगे और सिक्सटी ईयर्स के बाद हमको पेंशन प्राप्त होगा और अभी वो पैसा चला गया तो अभी क्या होगा हम जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो हमको एक बॉन्ड मिलेगा और हमारा रिटायरमेंट के बाद पेंशन स्टार्ट होगा तो इस तरीके से एक्चुअली गवर्नमेंट बोरोज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक पर इसी समय टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड और गैप गवर्नमेंट बोरोज मोर फंड्स फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ डिपोजिट्स एंड विथ ड्रॉ एक्सेस मनी हेल्ड बाय देम तो यहां पर क्या करेगा गवर्नमेंट जो स्कीम है जैसे मैं बताया थोड़ा जो केवीपी में एट ईयर्स में डबल होता है कभी फाइव ईयर्स गवर्नमेंट कर देगा जो एन में फाइव ईयर में हमको फिफ्टी परसेंट इंटरेस्ट मिलता है उसको थ्री ईयर कर देगा जैसे और जो पेंशन फंड है उसमें क्या करेगा ना थोड़ा और माछा अच्छा लाएगा जो क्या होगा ना हमको ज्यादा पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद तो इस तरीके से गवर्नमेंट अट्रैक्ट करता है पब्लिक को इट इटमीन्स टू विथड्रॉ एक्सेस मनी फ्रॉम द पब्लिक तो गवर्नमेंट जो एट द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेन गवर्नमेंट बोरोज मोर फंड्स फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ डिपोजिट्स एंड विथ ड्रॉ एक्सेस मनी हेल्ड बाय देम तो जब विथ ड्रॉ कर लेगा तब ड्यू टू दिस एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस डिमांड करेक्टेड और इन्फ्लेनरी गैप रिड्यूस्ड नेक्स्ट को जाएंगे के मैं बता चुका हूं जो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है इस समय डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप टाइम गवर्नमेंट अवॉइडिट फाइनेंसिंग मैं बार बार बता बता चुका हूँ कि इसी समय गवर्नमेंट अवॉइड टू बोरो हम जानते हैं गवर्नमेंट जब आरबीआई से बोरो करता है तब आरबीआई करेंसी नोट्स को प्रिंट करता है और गवर्नमेंट को देता है और ये क्या है ये इट क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी वो प्रिंट करके गवर्नमेंट को लेंड करेगा और गवर्नमेंट उसको खर्च करेगा जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगा और उससे क्या इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जनरेट होगा तो एट द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप गवर्नमेंट अवॉइड डेफिसिट फाइनेंसिंग इट मीन गवर्नमेंट अवॉइड टू बरो फंड्स बरोम आरबीआई सो ड्यू टू दिस ऑल्सो अगेन मनी सप्लाई डिक्रीजेस एंड एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस एंड इट करेक्ट द एक्सेस डिमांड और एलिमिनेट्स इन्फ्लेशन सेम चीज आई हैव रिटर्न टू प्रिवेंट इंक्रीज इन सप्लाई गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग का मीनिंग में लिख चुका हूँ मैं बता चुका हूँ गवर्नमेंट अवॉइड डेफिसिट फाइनेंसिंग विद इन ब्रैकेट में लिख दिया डेफिसिट फाइनेंसिंग का पूरा जो रूल्स है टू प्रिवेंट इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई ओके ड्यू टू दिस एग्रीगेट डिमांड डिजेस एंड एक्सेस डिमांड करेक्टेड और इन्फ्लेशन एलिनेटेड तो फिजिकल मेजर्स में फोर चीज आता है टैक्सेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक बोरोइंग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग फिर हम थोड़ा मॉनेटरी मेजर्स में जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी मेजर्स में फर्स्ट वन बैंक बैंक रेट 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 इज द द एट लेंडिंग टू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जिस रेट में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक करता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो एट द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप आरबीआई हाइक द बैंक रेट जब एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप का सिचुएशन आता है तब आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देता है सो ड्यू टू इट मीन्स वेन बैंक रेट इंक्रीजेस देन बोरोइंग फ्रॉम द आर बी आई इज कॉस्टली वन फॉर द कॉमर्शियल बैंक्स तो कॉमर्शियल जो कमर्शियल बैंक्स जो बोरो करते हैं आरबीआई बी से तो उनको कॉस्टली हो जाएगा बेसिकली बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई इज द डियर वन फॉर द कमर्शियल बैंक्स सो थर्ड पॉइंट यूसी सो कॉमर्शियल बैंक्स अवॉइड वो चीज में नहीं लिखा नहीं जरूरत नहीं है तो कॉमर्शियल बैंक अवॉइड टू बोरो मोर फ्रॉम द आरबीआई तो इसी समय क्या होगा जब बैंक uh, रेट को बढ़ा देगा आरबीआई तो कॉमर्शियल बैंक टू बोरो मोर फ्रॉम द आरबीआई बोरोल बैंक अवॉइड करते हैं कि हम ज्यादा फंड आरबीआई से बोरो नहीं करेंगे क्योंकि अभी जो रेट है बैंक रेट है ज्यादा है उनको ज्यादा इंटरेस्ट आरबीआई को देना पड़ेगा सो ड्यू टू दिस ऑब्वियसली एक्सेस रिजर्व इन द कमर्शियल बैंक्स डिक्रीजेस एक्सेस रिजर्व कम हो जाएगा कमर्शियल बैंक में सो इन दिस केस कमर्शियल बैंक्स चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द पब्लिक बट दिक मीन कॉमर्शियल इंटरेस्ट जब कॉमर्शियल कम हो जाएगा तब कमर्शियल बैंक जो पब्लिक को लेंड करेगा एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो पब्लिक को लेंड करेगा क्योंकि अभी कॉमर्शियल बैंक का एक्सेस रिजर्व कम हो चुका है तो जब कॉमर्शियल बैंक चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द पब्लिक देन बोरोइंग फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक फॉर द पब्लिक इज डियर वन तो पब्लिक के लिए कॉमर्शियल बैंक से बरो करना वो डियरर हो जाएगा और कॉस्टली हो जाएगा तो इसके वजह से क्या होता है ना पब्लिक अवॉइड टू बरो मोर फंड्स फ्रॉम द बैंक्स तो पब्लिक्स अवॉइड करेंगे वो ज्यादा फंड्स बरो बोरोल बैंक से नहीं करेंगे क्योंकि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है उनको ज्यादा इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक को देना पड़ेगा यदि वो कमर्शियल बैंक से बरो करेंगे तो ड्यू टू दिस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी डिक्रीजेस मनी सप्लाई कम हो जाएगा इट लीड्स टू डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा तो देन अगेन एक्सेस डिमांड इज करेक्टेड और इनफ्लेसन इज एलिमिनेटेड क्लियर तो माई फ्रेंड्स प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड एंड डेफिनेटली इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड प्लीज लाइक मी कमेंट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑफ सित सर मनिया तो इससे क्या होगा थोड़ा मुझे मोटिवेट इट मीन्स प्लीज जस्ट यू मोटिवेट मी एंड एनकरेज मी सो दैट आई ब्रिंग सम गुड न्यू वीडियोज इन फोर्थ कमिंग टाइम तो अगेन हम चलते हैं और एक है रिवर्स रेट रिवर्स रेट क्या है ना इट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक लेंडिंग टू द आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये उल्टा है माना जिस दर में कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को लेंड करते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए तो यहां पर क्या होगा एट द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन गैप नोइंगली आरबीआई हाइक द रिवर्स रिपोरेट जब रिवर्स रिपोरेट बढ़ जाएगा तो हम कॉमर्शियल बैंक पे दो ऑप्शन आएगा चाहे वो उनका सरप्लस मनी को आर बी आई में रखेंगे ना पब्लिक को लेंड करेंगे मगर वैन रिवर्स रेट इंक्रीजेस देन कॉमर्शियल बैंक्स पार्किंग दे आर सरप्लस फंड्स इन आर बी आई इंस्टेड ऑफ पब्लिक बिकॉज इट इज मोर सेफ एंड सिक्योर वन फॉर द कॉमर्शियल बैंक्स टू कीप दे आर सरप्लस फंड्स इन आर बी आई इंस्टेड ऑफ लेंडिंग टू द पब्लिक क्योंकि पब्लिक को लेंड करना वो सेफ इतना नहीं है क्योंकि कभी कभी ठीक टाइम में वो ऋण को नहीं चुकाते हैं और अभी क्या होगा जैसे रिवर्स रिपो रेट बढ़ गया तब कॉमर्सियल बैंक क्या करेंगे उनका सरप्लस को आरबीआई में पार्किंग करेंगे तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट प्राप्त होगा तो भाई सेम है पार्किंग आर आरबीआई और लेंडिंग टू द आरबीआई सेम चीज है कंफ्यूजन मत होना है क्योंकि रिवर्स रिपो रेट क्या है ना इट इज द रेट एट कमर्शियल बैंक्स uh, लेंडिंग टू द आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और और अल्टरनेटिवली आप बोल सकते हो कि इट इज द रेट एट विच

ड्यू टू पार्किंग मोर सरप्लस इन आरबीआई में बार बार बताया वो यहां पर देखेंगे जब रिवर्स रेट ज्यादा हो गया तो कमर्शियल बैंक से ये डिसाइड करते हैं कि हमारा सरप्लस फंड्स को हम ज्यादा ज्यादा सरप्लस फंड्स का भाग हम क्या करेंगे ना आरबीआई में रखेंगे क्योंकि ये फंड सिक्योर है ओके okay, क्योंकि अभी रिवर्स रेट बढ़ गया वो आरबीआई में रखेंगे तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और उसी समय वो क्या करेंगे ना जो पब्लिक को जो सरप्लस फंड पार्ट वो पब्लिक को लेंड करेंगे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्योंकि वो दोनों दो चीज देखते हैं कि हम आरबीआई में रखेंगे ना पब्लिक को लेंड करेंगे मगर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिवर्स रेट बढ़ जाता है तब वो कमर्शियल बैंक सोचते हैं हम आरबीआई में रखेंगे तो हमको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो वो सेफ वो समझते हैं क्योंकि पब्लिक को लेंड करना बहुत इतना ज्यादा सेफ एंड सिक्योर हंड्रेड सेफ एंड सिक्योर नहीं है मगर आरबीआई को लेंड करना वो ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है तो ड्यू टू पार्किंग मोर सरप्लस फंड्स इन आरबीआई डेफिनेटली एक्सेस रिजर्व फॉर लेंडिंग टू द पब्लिक इन द कमर्शियल बैंक डिक्रीजेस मैं बार बार बताया जो सरप्लस फंड है जो कमर्शियल बैंक्स है, तो करते हैं सरप्लस फंड का ज्यादा भाग वो आरबीआई uh, में रखेंगे और उसका कम भाग वो पब्लिक uh, को क्या करेंगे ना लेंड करेंगे उसी समय क्या करेंगे ना कॉमर्शियल बैंक्स चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पब्लिक कॉमर्शियल बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो सेम चीज इट इन्स बोरोइंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स फॉर द पब्लिक इज कॉस्टली वन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी डिक्रीजेस एंड इट लीड्स टू डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इट लीड्स टू डिक्रीज इन एग्री के डिमांड एंड एक्सेस डिमांड इज करेक्टेड और इनफ्लेशन एलिड सेम चीज जो मैं बताया बैंक uh, रेट में फिर हम चलेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हम जानते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई इन ओपन मार्केट जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसका डेफिनेशन क्या है इट मींस आरबीआई बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज टू एंड फ्रॉम एगेन न्यूसी इट मीनस आरबीआई बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स इन ओपन मार्केट वो क्या करता है ना सिक्योरिटीज बाय करता है और सिक्योरिटीज को सेल करता है किसको पब्लिक को और कमर्शियल बैंक्स को मगर कब बाय करेगा और कब सेल करेगा उसको हम देखेंगे तो ओपन एट द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेन क्या आरबीआई सेलिंग सिक्योरिटीज टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक आरबीआई ओपन मार्केट में पब्लिक को एंड कॉमर्शियल सेल करेगा सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो सिक्योरिटीज को सेल करने से क्या है ना आरबीआई विथड्रॉ मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड कॉमर्शियल सेल करेगा तब वो पैसा विथड्रॉ कर लिया किससे पब्लिक से और कॉमर्शियल बैंक से जैसे पब्लिक को सेल किया तो पब्लिक का मनी कहां पर है बैंक में है ठीक है कि नहीं तो जब वो पैसा विथड्रॉ कर लेगा तब एक्सेस रिजर्व क्या होगा कमर्शियल बैंक में कम हो जाएगा ड्यू टू दिस एक्सेस रिजर्व इन द कमर्शियल बैंक डिक्रीजेस

क्या करेगा ना सेलिंग सिक्योरिटीज टू दब्लिक एंड कॉमर्शियल मनी फ्रॉम्लिक एंड कॉमर्शियल और जब पब्लिक को सेल करेगा डायरेक्टली आरबीआई सेलिंग टू द कमर्शियल बैंक सेम थिंग सो ड्यू टू दिस मनी आरबीआई विधड्रॉ मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड कॉमर्शियल बैंक सो ड्यू टू दिस ऑटोमेटिकली एक्सेस रिजर्व इन द कमर्शियल बैंक डिक्रीजेस ओके

कॉमर्शियल बैंक फॉर्म ऑफ रिजर्व दो प्रकार का रिजर्व होता है कमर्शियल बैंक पब्लिक डिपोजिट का तो वो इन्फ्लेशनरी प्राइस लेवल बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो सीआरआर को बढ़ा देता है कैस रिजर्व रेशियो को बढ़ा देता है तो इन्फ्लेशनरी टाइम में सीआरआर एसएलआर दोनों बढ़ेगा और डिप्रेशन टाइम में जब प्राइस लेवल कंटिन्यूसली कम होगा तब वो सीआरआर एसएलआर को कम कर देगा तो इसमें बेसिकली जो रिजर्व है वो कमर्शियल किसमें रखता है एक रिजर्व जो है, commercial banks का, RBI में रखता है। तो बेसिकली सीआरआर इट इज सर्टन परसेंटेज ऑफ पब्लिक डिपोजिट कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई इन फॉर्म ऑफ रिजर्व एसएलआर स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो सेम थिंग आई हियर इट इज द सर्टन परसेंटेज ऑफ पब्लिक डिपोजिट्स की खुद के पास रखेगा जो रिजर्व uh, आरबीआईर करता है सर्टन परसेंटेज ऑफ पब्लिक डिपोजिट की रिजर्व तो लिक्विड एसेट्स कैसे होगा इन दम ऑफ कुछ पार्ट कैश में होगा कुछ पार्ट गोल्ड में होगा कुछ पार्ट सिक्योरिटीज़ में होगा और कुछ पार्ट क्या होगा एसएलआर आरबीआई दोनों को बढ़ा एलआरआर uh, को, को बढ़ा देगा मींस डेफिनेटली सीआरआर एंड एसएलआर बढ़ जाएगा तो ड्यू टू इंक्रीज इन सीआरआर जब सीआरआर बढ़ जाएगा कैश रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक कीप मोर पोर्शन ऑफ देयर पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व

वन लाख जो सिक्योरिटी रखेगा जो मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी वन लाख है वो सिक्योरिटी को रखेगा तो उसको कॉमर्शियल बैंक एट्टी थाउजेंट लेंड करेगा क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है ट्वेंटी परसेंट है तो जब मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी सपोज मेरा एग्जाम्पल में जब मार्केट वैल्यू ऑफ़ द सिक्योरिटी वन लाख है और वो बिजनेसमैन वो सिक्योरिटी को रखना चाहता है और कॉमर्शियल uh, बैंक से बोरो करना चाहता है इट मीन्स मार्जिन रिक्वायरमेंट ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट है तो एट दैट टाइम कॉमर्शियल बैंक लेंडिंग रुपीज एट्टी थाउजेंड टू दरो इन बिजनेसमैन मगर बिजनेसमैन जो आफ्टर मैच्योरिटी बिजनेसमैन कितना पेड करेगा वो वन लाख पेमेंट करेगा इट मीन मैच्योर आफ्टर मैच्योरिटी वो कितना पेड करेगा वन लाख इट मीन ट्वेंटी थाउजेंड इंटरेस्ट दिया इट इज द रूल तो अगेन मैं बोलता हूं मार्जिन रिक्वायरमेंट इट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड लोन सैंक्शन अगेंस्ट इट तो ये एक्सेस डिमांड के टाइम में क्या होगा जब uh, मेरा जो एग्जांपल में जब वही बिजनेसमैन वो सिक्योरिटी रखेगा जिसका मार्केट वैल्यू वन लाख है मगर अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट को आ, क्या है ना आरबीआई बढ़ा चुका है वो ट्वेंटी परसेंट से थर्टी परसेंट हो चुका है जब एक बिजनेसमैन कमर्शियल बैंक से बोरो करेगा और एक सिक्योरिटी रखेगा जिसका मार्केट वैल्यू वन लाख है मगर मार्जिन रिक्वायरमेंट थर्टी है पहले ट्वेंटी था तो अभी कितना लेंड करेगा कमर्शियल बैंक उसको सेवेंटी थाउजेंट करेगा मगर मैच्योरिटी पीरियड के बाद वो बिजनेसमैन कितना पेमेंट करेगा कमर्शियल बैंक को ना लाख तो अभी थर्टी थाउजेंड इंटरेस्ट देगा वो वही सेम सिक्योरिटी के ऊपर पहले ट्वेंटी थाउजेंट वो इंटरेस्ट देता था क्योंकि उस समय मार्जिन रिक्वायरमेंट ट्वेंटी परसेंट था मगर अभी जो एक्सेस डिमांड टाइम में और आरबीआई ऑलरेडी हाइक द मार्जिन रिक्वायरमेंट ओके तो अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट थर्टी परसेंट है मेरा एग्जाम्पल में तो उसके वजह से वो क्या है ना वही सिक्योरिटी को रख रहा है जिसका मार्केट वैल्यू वन लाख है मगर उसको सेवेंटी वो बरो कर रहा है कमर्शियल बैंक से मगर आफ्टर मैच्योरिटी उजेंड uh, इंटरेस्ट uh, uh, no, so uh, uh, दे रहा है तो so इसी समय वो क्या करेगा मार्जिन uh, रिक्वायरमेंट uh, 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 को बढ़ा देता है जब आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा तो इट मीन्स ऑन द सेम सिक्योरिटी लेस लोन सैक्शन बाय द बैंक में अभी एग्जाम्पल बताया इट मीनस ऑन सेम सिक्योरिटी लेस लोन सैक्शन बाय द बैंक बट ऑन मैच्योरिटी बताया जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट फोर्टी परसेंट है तो आपको कॉमर्शियल बैंक कितना लेंड करेगा? 60, लेंड करेगा? तो सिक्सटी थाउजेंड लेंड करेगा मगर आफ्टर मैच्योरिटी आपको कितना देना है, देना है? 60, आप वही रूल है सिक्सटी थाउजेंड आप बरो किया मगर जो मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी है लाख है तो मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको वन लाख देना इट आप इंटरेस्ट दे दिया तो इस समय क्या होगा जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो ऑन द सेम सिक्योरिटी लेस लोन सैक्शन बाय द बैंक बट ऑन मैच्योरिटी द पेड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी टू री द लोन अमाउंट सो ड्यू टू दिस बर्स अवॉइड टू बरो फ्रॉम द बोरोक्स अगेन्ट सिक्योरिटीज तो इसी समय बोरोस अवॉइड करते हैं वो again, वो अगेन अगेंस्ट में करना नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा मनी सप्लाई करेक्टेड और इन्फ्लेशनरी okay, तो ये आज टॉपिक था तो अच्छे से क्लारीफाई किया गैप तो uh, और एक्सेस डिमांड क्या है और इन्फ्लेशनरी uh, गैप को मैं डायग्राम में दिखाया और उसका कॉजेस डिस्कस किया उसका इंपैक्ट्स डिस्कस किया और हाउ टू कंट्रोल इंटरेस्टनरी गैप और एक्सेस डिमांड उसको डिस्कस किया टू मेजर्स में लिया फिजिकल मेजर्स एंड मॉनेटरी मेजर्स उसको डिस्कस किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगेन जस्ट आई अप्रोच टू यू प्लीज लाइक मी सब्सक्राइब मी सब्सक्राइब माई चैनल असित सरी कुमारिया माई सेल्फ असित कुमार पटनायक एंड प्लीज़ कमेंट मी एंड लाइक मी एंड अगेन इन सब्सिक्वेंट टाइम इट मीन्स आई विल ट्राई टू ब्रिंग सम गुड वीडियोज़ आज इतना ही है थैंक यू